मज़ा आ रहा है छत के ऊपर खुली फिजा में और एक बहुत ही प्यारा मंजर। आवाज नहीं निकल रही आज आपकी, खैरियत है ना? ताबीर अली वॉशिंग वाइफ्स क्लोथ्स। वाइफ इज क्लोथ्स हो लियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यार मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, और वो ये है कि घर के काम हम लोग तो करते ही रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन घर के कामों में सबको हिस्सा लेना चाहिए ना, सिर्फ हम क्यों करें? मतलब ठीक है हम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि घर के काम काज जो हैं वो उनसे भी करवाए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इनसे मैं क्या क्या काम करवाऊंगी। आए मिर्जा, हाय, क्या सरप्राइज है? बहुत ही मजे का सरप्राइज है, आए तो सही। जरा ये पहले इसको तय कर दें, जरा कंबल को। इस कंबल को मैं तय करूं? हैं क्या? इस कंबल को हाँ हाँ मैं तय करूं? ऑब्वियसली कर दें, क्या हो जाएगा साड़ा चिड़िया था चंबा। चले चले चले, शाबाश, जरा जल्दी मुझे प्लीज काम है बहुत ज्यादा। और यार इसको तय, हाँ हाँ रखे इसे ऊपर, ओ गॉड नीचे सारा, हाँ चले चले रखे इसे ऊपर रख के तय कर लें। हाँ बल्कि इसके ऊपर बिछा दे, कोई बात नहीं। छोटे भी करेंगे। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे से पता चल रहा है ये तय हुआ है। अच्छा नाइस, वेरी वेरी गुड, फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स गुड, है ना। चले इधर आए, जरा ये चल कैसे रहे हैं आप? भाई आज का क्या हो गया? आज कुछ नहीं हुआ, आज बस ये होता रहना चाहिए ना कभी कभी। वो कहाँ है आपका, जरा मेरा मॉक, ये तो हर हफ्ते होता है। हाँ जी, किधर रह गए आप? आ रहा हूँ, जल्दी करें जरा, बट इतना टाइम नहीं होता, फटाफट है। ओ केड़ा माई दा लाल है जरा साडे कोलो काम करा सकदा है। ओए होए ये रौला जट, ये जरा अपनी हालत देखें और शुरू करें जरा सफाई। चले शाबाश, असी नहीं करते सफाई, चुन्नी ला सिर पे। सी नहीं करते सफाई, असी कदी नहीं फड़या झाड़ू। अच्छा ते फिर मैं फड़ा कुछ होर ला तेरे। ये सही तरह से काम आपने करना है या? ये हर बात में मुझे धमकी देनी पड़ेगी? हाँ लगाएं, बहुत अच्छे, वाह वेरी नाइस। आओ, हाँ वाह, चमका दिया फर्श तो। बस ये हो गया, आप क्या काम करना है आपने? अच्छा मर्द है, मुझे कम नहीं कर दे? नहीं मर्द की कर दे ने? अच्छा जी, दो तीन काम तो करवा लिए मैंने इनसे, अब बाकी के भी आज सारे काम करवाने हैं इनसे मैंने। आ जाए जरा, आवाज नहीं निकल रही आज आपकी, खैरियत है ना? तबीयत ठीक है? मजा आ रहा है छत के ऊपर खुली फिजा में और एक बहुत ही प्यारा मंजर, आपको दिखाऊं? ओह गॉड, ये क्या कर रहे हैं आप? देखें जरा किस तरह के कपड़े धुल रहे हैं ये। ये किसके कपड़े हैं? साडे ही ने और किसे? हाँ दिखाएं जरा, कैसे कैसे मलते हैं कपड़े? थप के तो हो चंगी तरह इन्हों, हाय। ये मंजर भी चश्मे फलक ने देख ही लिया आखिर। ओ वाओ, हो गए ने? नहीं नहीं, पानी चो काट देना नु, ले जी आपने भी आज ये मंजर देख लिया, खुशकिस्मत लोग। ताबीर अली वॉशिंग
wife's clothes. Wife is clothes ho liyo. इतनी अच्छी हो शाले हम भी ऐसे हो जाएं। चलो जी पाओ ना पानी च। हाँ वैसे बात तो आप सही कह रहे हो लेकिन इतने भी नहीं होते अभी इस तरह के। पानी च पा दे बस। ये देखें जी कितनी सलीका मंदी से काम किया जा रहा है। अच्छा ये दो कपड़े धोने में इतनी देर लग रही है ते बाकी सारे कपड़े आ जाते फिर 2-3 दिन लग जाएंगे मेरा ख्याल है। हैं जी कितने अच्छे लगते हैं काम करते हुए आप लोग माशाल्लाह। ये मंजर इतना रेयर क्यों लगता है वैसे जब मर्द ये काम करते हैं तो। इधर भी तक लो जरा सोने हो। चलो नेक्स्ट काम भी तुम दसिए की करना है आज। शाबाश वेरी नाइस। ये खुद से ही कर लिया। ये तो आपका फेवरेट काम है ना। ये बड़ा जरूरी भी काम है। तो यार इन लेडीज की हिम्मत है माशाल्लाह के इतने जब काम करने पड़ते हैं फिर पता चलता है। इतने इस तरह से काम जो है वो वाकई इनकी हिम्मत है। इनको सल्यूट है जो ये घर के बाकी सारे काम खामोशी से हो जाते हैं हमें पता नहीं चलते। और मर्दों को भी सल्यूट है वो बाहर के काम संभालते हैं औरतें घर के काम संभालती हैं। दोनों जो हैं वो माशाल्लाह माशरे में बराबर का अपना हिस्सा डालते हैं। तो अभी मुझे थोड़े से काम करने पड़ गए हैं मुझे पता लग गया है कि किस तरह से ये काम होते हैं। तो आइए अभी मेरी छुट्टी कब होती है ये मुझे पता नहीं है तो अभी देखते हैं कि मुझे और क्या क्या करना है। जी तो नेक्स्ट काम करने लगे हैं माशाल्लाह से। क्या कर रहे हैं आप? आटा गुन्नी भैया। गुन्नी गुन्नी भैया ये कोई जुमला नहीं है। साड़ी अपनी बोली है पिंड दी। अच्छा चले आटा गूंदने लगे हैं ना आप। आटा गुन गया। हाँ इसको गूंदे जरा जल्दी से मुझे भूख लगती है। आटा नहीं गुनना आंदा। ये किसने रुमाल डाला उसके ऊपर? आटा गुनना नहीं आंदा सानू। तो की आंदा है? खाना। अच्छा ये सही है वैसे बिल्कुल। ये गीला रुमाल है फैला दे इसको कहीं। कोई जगह नहीं है यहाँ पे रुमाल फैलाने की। यार जल्दी करो यहाँ भूख लगी है। आटा गुनन है। फटाफट करो फटाफट 2 मिनट। साडे पिंड से जाए ना। क्या साडे पिंड च कुकड़ियां आटा गुनना हूं। पागल लग रहा बाबा। देखिए पहले आपने चुल्लू भर पानी ले और अगली बात आप जानते हैं ये उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते। जी इसलिए मैं चुल्लू भर पानी आटे में डाल रहा हूँ। जी ठीक है। अच्छा फिर इतनी देर इतना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो फिर 50 साल लग जाएंगे। अगर मैंने एकदम पानी इसके अंदर डाल दिया तो ये लेवी बन जाएगी। ठीक है ये लेवी बहुत जान लेवी हो सकती। जरा जल्दी करें मुझे बहुत भूख लग रही है यार। ये देखिए नाजरीन आटे की। ये जल्दी से डालो इसमें पानी यार। छोटे कौन सा छोटा यार कोई छोटा मोटा नहीं है। उफ ये आटा पता नहीं कब गूंधेगा और कब रोटी पकेगी। सालन क्या बनाया आपने? आलू शवारमा। वो फिर आप ही खाओगे। यार जल्दी कर ले यार क्या है कोई काम है भला। यार कर रहे हैं बहुत स्लो काम कर रहे हैं आप। ये देखिए नाजरीन शादीशुदा अफराद से इल्तमास है कि वो शादी से पहले मेरा ये व्लॉग जरूर देखें। ये क्या हो रहा है? नीचे गिर गया थोड़ा। बहुत अच्छे वेरी नाइस इट्स एवरीवेयर। कोई बात बाद में क्लीन भी तो आपने करना है। यार आप इतना कम कम पानी क्यों डाल रहे हैं मुझे ये तो बता दें।
फटाफट पानी पाओ दे विच। अब आपको वैसे कुछ थोड़ा सा तो अंदाजा हुआ होगा कि खवातीन घर में कितने काम करती हैं और साथ उनके पांच छह जो रुजीना तेनू किने बुलाया सी इत्थे तेरे को गुनिया भी नहीं जाएगा इस तरह मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर अकबर उफ आटे के साथ कुश्ती हो रही है कि नहीं ये पहली दफा नहीं है बहुत दफा गूंज चुके हैं आप आटा और आप रोटी भी बहुत अच्छी बनाते हैं सबको पता है लेकिन मैं ये अगर मैं ये कह रही थी अच्छा ये कंधे को झटके देने का क्या सीन है बीच में मैं कह रही थी कि खवातीन की हिम्मत को सलाम है कि माशाल्लाह इतने सारे बच्चे भी उनको चिमटे हुए होते हैं उनको भी हैंडल कर रही होती हैं घर के सारे काम भी कर रही होती हैं यार मल्टीटास्किंग की एंड हो गई हुई है वुमेन के ऊपर कसम खुदा की सही कह रही हूँ ना जी मर्दों ने भी बड़े काम किए हैं ऑब्वियसली आप लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते वैसे ये बात माने क्या मल्टीटास्किंग गटर तो हम साफ करते हैं अभी इधर दो बच्चे चमटाऊं आपके साथ जरा फिर पता चले कि जो टांगों को चिमटे हुए हो और एक वाँ वाँ कर रहा हो और फिर आपकी सारी कंसंट्रेशन भी खराब हो चले नहीं हाथों से जरा सल्यूट करें ओए ये वाला सल्यूट नहीं चाहिए प्रॉपर यस लें जी ये है आटा जो इन्होंने गुन्ना है और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुन्ना है वैसे अभी इसमें दाना है नजर आ रहा है ना आपको दाना चिड़िया नु पा दो कोई भी हाँ जी तो चले फिर नेक्स्ट काम आपको दूं कोई और बस मेनू हुन छड़ दियो छुट्टी दे दियो इतनी जल्दी भाई आज काम करके वाकई पता चला अभी तो किया ही कुछ नहीं है जितना खवातीन काम करती है और इसमें भी कोई शक नहीं जी तो सल्यूट है हमारी माओ बहनों को जो इन्होंने वाकई बहुत सारे काम करती हैं करके पता चलता है और भाइयों को भी सैल्यूट है हमारे जो बाहर काम करते हैं जैसे कि आपने कहा पीछे लेंटर डाल रहे हैं लेकिन एक बात है कि जितना काम मर्द करते हैं और जितना टफ काम मर्द करते हैं वुमेन सोच भी नहीं सकती अभी मैं सुबह से देख रही हूँ पीछे वो लेंटर डाल रहे हैं सुबह 8 बजे के शुरू हुए में सूरज गुरूब होने को आया है लेकिन वो उसी एनर्जी के साथ और उसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है दोनों जो हैं वो अपने माशरे में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं दोनों को सैल्यूट है बिल्कुल अपनी अपनी फील्ड की मेहनत है तो इस वीडियो में थोड़ा सा सबक भी था और बाकी आप लोग ने देख ही लिया कि मैंने मुझसे क्या क्या कराया गया अभी जैसे दो कमीजें तो मेरी इस्त्री कर देना जी वो भी करता हूँ लेकिन ऑफ द कैमरा इंशाल्लाह ताला अभी रात तक मुझे लग रहा है मुझे काम करने पड़ेंगे तो अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ आ जाएं चलो अल्लाह हाफिज़